बीजेपी की सदस्यता अभियान के लिए खंडवा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपने पापों के कारण ही कमलनाथ की सरकार गिर जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में सभी माँ बेटा और बेटी का अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं और भोपाल में कमलनाथ सरकार बचाने के लिए सरकार चला रहे हैं। नहीं, हम नहीं सोचते। कांग्रेस में राहुल जिस तरीके से सोच रहा है, मैंने तो उसके दर्द का बयान किया कि राहुल गांधी बेचारा इतना परेशान है, इतना बेहाल है कि उसके समर्थन में केवल 120 इस्तीफे आए। वो तो सोच रहा था कि लोग टंकियों पे चढ़ेंगे, कुप्पियाँ लेंगे, ऊपर तेल डालेंगे, मर जाने का दुआई देंगे, फिर राहुल बाबा मान जाएंगे और इस्तीफा लेंगे। अब राहुल बाबा की ये स्थिति है कि अगर कहता है कि मैं अध्यक्ष हूँ तो भी नाक कटी, और बाहर जाते हैं तो कटी है ही। कांग्रेस में अब कुल मिलाकर अस्तित्व की नौटंकी है। माँ बेटा और बेटी ये तीनों अपने अस्तित्व बचाने पर तुले हैं, और कांग्रेस के कुछ नेता भी इस बात पर अब उतारू है कि अगर इनकी विदाई नहीं होगी तो ये हमारी विदाई कर देंगे। इसलिए कांग्रेस के जो अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंद चरम सीमा पर पहुंच गया है, वो आत्मघाती हो जाएगा। हम कमलनाथ जी की सरकार नहीं गिरा रहे, लेकिन कमलनाथ जी के पाप कमलनाथ जी की सरकार गिराएंगे। तहसीलदार, पटवारी, थानेदार, सिपाही, चीफ सेक्रेटरी से लेकर मास्टर तक का जो भ्रष्टाचार है, वो कमलनाथ जी की सरकार को गिराएगा। नागरिकों की सुरक्षा पर और उनको मिलने वाली सुख सुविधा पर जब कटौती होगी तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, और कांग्रेस अपने पाप के कारण गड़ा भरेगा और कांग्रेस की सरकार औंधे मुंह गिरेगी। कमलनाथ जी चाहे तो उसे बचाएं। रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी के इस्तीफा देने को भी नौटंकी बताया और कहा कि राहुल ने सोचा था कि लोग उनके समर्थन में हंगामा करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो अब राहुल के लिए नाक का सवाल बन चुका है। बीजेपी उपाध्यक्ष के इस बयान से सियासी गलियारे में हलचल होना तय है। भोपाल से अजित कुमार की रिपोर्ट।